जय हिंद दोस्तों, आज बड़ा ही दुखद दिन रहा जोशीमठ ग्लेशियर उत्तराखंड। जिस तरीके से आज एक प्राकृतिक आपदा आप इसे कह सकते हो या जो भी ट्रेजेडी हुई, काफी बड़ा नुकसान होने से बच गया, लेकिन थोड़ा बहुत जो हुआ वो भी काफी बड़ा है। जब भी कोई मुसीबत में होता है, सबसे पहले जिसको भी वो मानता है, वाहेगुरु अल्लाह भगवान जीसस, जिसको भी मानता है, जिस भी गुरु को मानता है, उसके हाथ जोड़ के बोलता है कि हमें इस संकट से बचा लीजिए। ठीक उसी तरीके से हमारे भारतीय सेना अर्धसैनिक बल देश में जब भी कोई संकट आता है, हमेशा से जनता के जान माल के जोखिम को कम करने के लिए हमेशा से सबसे आगे फ्रंट लाइन पर खड़े रहते हैं। ठीक उसी तरीके से आईटीबीपी के जवान मौके पर पहुंचे और लोगों को रेस्क्यू करना शुरू किया। मुझे गर्व है इस बात का कि अपने रॉयल सोल्जर चैनल के माध्यम से शुरू से ही सबसे पहले आपको खबरें दिखानी मैंने शुरू की, जब मेरे पास रॉ फुटेजेस आनी शुरू हो गई थी उत्तराखंड से। उसके बाद अभी रेस्क्यू की कुछ फुटेजेस आई हैं, आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा, यदि आप उन इलाकों से संबंधित हो, वहाँ से हो, तो कमेंट करके बताइएगा कि स्थिति अभी वहाँ पे क्या है। और एक बहुत बड़ा सैल्यूट हमारे देश के वीर जवानों को, जो हमेशा से देश की रक्षा के लिए, चाहे सरहद हो चाहे आंतरिक मामले हो, हमेशा से हमारे लिए खड़े रहते हैं। पहली बार अगर आप देख रहे हैं अपना चैनल रॉयल सोल्जर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे और बेहतरीन देशभक्ति के वीडियोस देखने के लिए, सच्ची ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए। ख्याल रखिएगा अपना। हैव अ लुक ऑन दीस क्लिप्स। ये कुछ वो इलाके हैं जहाँ पे अभी आपने देखा जिस तरीके से सैलाब गया, आसपास की जो ज़मीन थी वो धस गई और जो घर वहाँ पे आप देखते हैं टीन की एक शेड पड़ी है, जो लोग वहाँ पे दब गए थे, धस गए थे, उनको आशा है कि यहाँ पे कुछ लोग दबे हुए हैं। एक एक करके बहुत लोगों को उन्होंने निकाला, लेकिन कुछ क्लिप थी जो मुझे लगता है कि जनता को, भारतीयों को दिखानी ज़रूरी थी कि किस तरीके से हमारी अर्धसैनिक बल और सेना मुसीबत की घड़ी में हमारे लिए काम करती है। तो जवान अपने जोखिम भरे रास्तों से रस्सी के सहारे से नीचे उतर रहे हैं, उसके बाद अभी एक एक करके बहुत लोगों की इन्होंने जान बचाई, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हैव अ लुक ऑन दीस क्लिप्स। मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके तहत वहाँ पे काफी सारे इंजीनियर्स और लेबर काम कर रहे थे, उनको निकालने में बहुत बड़ा योगदान दिया है आज हमारे सैनिक बलों ने। ये वही जवान है जिनके लिए देश के कुछ गद्दार बोलते हैं कि तुम लोग करते क्या हो, पैसे लेके सेना में अर्धसैनिक बलों में जाते हो, अरे तुम दो दिन क्या, एक घंटे इनकी नौकरी करके दिखा दो, उनकी सेवा करके दिखा दो, मर्द के बच्चे हो तो।